saiyo. अहो क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? गले में थोड़ा दर्द है। क्या फिर से? अभी कुछ दिन पहले भी तो हुआ था ना, कहीं कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है? आप चलिए मेरे साथ, साईं के पास चलते हैं, उनके पास हर चीज का इलाज है। नहीं, साईं के पास नहीं। क्यों? क्योंकि जो दर्द देता है वो दवा थोड़ी ना दे सकता है। गरारा करूंगा तो ठीक हो जाएगा। आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। द्वारका माई नहीं चल रहे, कोई बात नहीं, मैं आपको साईं की उदी दे देती हूँ, वो भी दवा से कम नहीं है। कहाना नहीं चाहिए, साईं का कुछ भी नहीं चाहिए। दवा से याद आया, दवा ली तुमने? नहीं। रुको मैं लेकर आता हूँ। खाओ। मुझे ये दवा लेने से अच्छा नहीं लगता है, पहले सर भारी लगता था और अब उल्टी हो जाती है। इसका मतलब दवा असर कर रही है, तुम दवा लेना बंद मत करो, इसी में हम दोनों की भलाई है। चलो तुम दवाई खाओ, मैं जरा गरारा कर लेता हूँ। जैसे एक पक्षिणी कोई दूर गगन में उड़ती जाए, दृष्टि सदा अपने नन्हों पर हर क्षण रहती है वो लगाए, वैसे मेरे साई दयागन देखे हमें इस छोर, आएगी फिर बोर हटे। ये क्या हो रहा है आजकल, जब भी ये दवा खाने की कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे दवा पेट तक पहुंच ही नहीं पाती है। हर विपदा में हर संकट में जो है सदा ही निकट हमारे, गीता वचन निभाने जिसने हर युग में अवतार है धारे, वो शिरडी में आन बसे है, साई नहीं कोई और। ओम साई ओम साई ओम साई साई ओ, साई ओ, साई ओ। बचपन से इच्छा थी कि गुलेल चलाना सीखूं, लेकिन गरीबी इतनी थी हमारे घर में, यह सब शौक पूरा करना भी फिजूल माना जाता था। अब पैसे की कोई चिंता नहीं, काम पे जाने की जल्दी नहीं, इसलिए ये गुलेल लेकर आम तोड़ने का अभ्यास कर रहा हूँ। अब आम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी से मांगने का इंतजार करना होगा। अरे गुलेल से आम तोड़ना इतना आसान काम थोड़ी है जो तू एक दिन में सीख जाएगा। अगर दिन भर भी तू यहाँ पड़ा रहा ना तो अभी नहीं सीख पाएगा। मैंने पहले तोड़ा है आम। वो तो तुक्का लग गया होगा। अगर अभी कर दिखाया तो फिर एक बोरी अनाज की शर्त लगाएगा। कुछ भी हो जाए किसान का किसान ही रहेगा। अब तो जमीन बेचकर बहुत पैसे आ गए हैं, 10-10 रुपए की शर्त लगाता है तो बोल। 10? हाँ 10 रुपए। अरे 10 रुपए में तो महीने भर का किराना आ जाएगा। अरे अब हमें हर कदम पर यह सारा हिसाब नहीं रखना होगा दिमाग में। हम सबके पास अब पैसे हैं, इसलिए पहले की तरह गरीबी वाली बातें छोड़। मुझे तो लग रहा है कि तू शर्त लगाने से इसलिए डर रहा है कि तुझे विश्वास है कि तू हारेगा। हाँ अरे जा जा, चल लगाई 10 रुपए की शर्त।
2,500 रुपए हैं तुम्हारे पास, मतलब ऐसी 10-10 रुपए की 250 शर्तें लगा सकते हो तुम, और साल में तो 365 दिन होते हैं। इस तरह तुम्हारे पैसे साल भर भी नहीं चलेंगे चंदू। ये तो आज ही लगा रहे साईं, रोज रोज शर्त हम कहां लगाते। पैसा देकर शर्त लगाना एक तरह का जुआ ही होता है चंदू, आदत लगते देर नहीं लगती है। साईं, सच कह रहा हूं, इसके बाद नहीं लगाऊंगा। मैं कैसे मान लूं? कसम खाता हूं साईं। कसम तोड़ भी दोगे तो क्या नुकसान होगा? कुछ ठोस सबूत मिले तो मानो भी। आप ही बताइए, आप कैसे मानेंगे? चलो शर्त लगाते हैं, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे। ठीक है साईं, लगी शर्त। 1 पल नहीं रुके और दूसरी शर्त लगा ली, और कहते हो आदत नहीं लगेगी। चंदू, तुमने गुलेल खरीद ली बचपन की इच्छा पूरी करने के लिए, इस वजह से मैं इसे फिजूल खर्ची नहीं कहूंगा, लेकिन पैसा आता है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। उस पैसे को संभाल कर रखने की, पैसा सोच समझकर खर्च करने की, शर्त लगाकर इस पैसे को बर्बाद मत करो चंदू। आप ठीक कह रहे हैं सही, अब कोई शर्त नहीं लगेगी, आम तोड़ने की भी नहीं, मैं पैसे भी संभाल के खर्च करूंगा। करो तो तुम्हारा भला, वरना अल्लाह मालिक। पूरे घर पर रंग लगाकर नया जैसा बना दो और दीवारों पर अच्छे चित्र निकालो। वैसे वारली चित्रकला आती है क्या तुम्हें? साहब, वारली चित्रकला के लिए कोपरगांव के चित्रकार बुलाने पड़ेंगे। हाँ, बुला लेंगे। दादा, वारली चित्रकला की क्या जरूरत है, रंग तो करा ही रहे ना। चित्र से घर का रूप और निखरेगा भी। वाह दादा, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे देने पड़ेंगे। कोपरगांव से चित्रकार मत बुलाइए, हमारे गाँव की लड़की परी बहुत अच्छे चित्र बनाती है, मुफ्त में बना देगी और वो भी खुशी खुशी। अरे जब अपने पास पैसे हैं तो किसी और का एहसान क्यों लेना। दादा, अपनों में एहसान कैसा। मैंने कहा ना विवाह, चित्रकार कोपर गांव से ही आएंगे। अरे लोगों को लगना भी तो चाहिए कि पैसे खर्च हुए हैं, और बाराती ये सब देखकर बहुत खुश होंगे। देखना, वारली चित्रकारी सुदामा के घर की पहचान बन जाएगी। दादा, ये घर तो हम दोनों का है ना। तू भावुक क्यों हो रहा है विवा? मेरा कहने का वही मतलब था, अगर घर अच्छा लगेगा तो तेरी भी तो शान बढ़ेगी ना, मेरे अकेले की नहीं। अरे काम करो जल्दी, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। ये पेड़ अचानक कैसे सूख गया? साईं, सूखी घास को आपके पास क्यों रख रहे हैं? जल सकती है। ये नहीं जलेगी, यहां कैसे आना हुआ? साईं, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल, मैं जानती हूं साईं, मेरे पति जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उनका मकसद सिर्फ मेरी खुशी और मेरी भलाई है,
और हमारे होने वाले बच्चे का भविष्य, जिसके लिए मेरा इलाज चल रहा है। आखिर जिस गलती के पीछे का कारण नेक हो तो? मीरा, तुम्हारे पहले और दूसरे सवाल का जवाब एक ही है। लेकिन मैंने दूसरा सवाल तो पूछा ही नहीं। वो पौधा जिस पर तुम्हारी दवा गिरी थी, वो क्यों मुरझाया? यही है ना दूसरा सवाल? साई, आपने तो कहा था कि इसमें आग नहीं लगेगी। अजीब बात है, इस घास ने तो मुझसे कहा था कि ये नहीं जलेगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं साई? सूखी घास भला कैसे बात कर सकती है? और सूखी घास तो आग पकड़ेगी ही पकड़ेगी, इसे आपके पास रखना ही नहीं चाहिए था। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं मेरा। कोई भी चीज हो या इंसान, उसकी प्रवृत्ति सबके लिए एक समान होती है। जैसे इस सूखे घास की प्रवृत्ति है आसानी से आग पकड़ लेना, वैसे ही दवा की प्रवृत्ति होती है इलाज करना, जो भी उस दवा को ले उसे पोषित करना, चाहे वो इंसान हो या पेड़। और विष की प्रवृत्ति होती है कमजोर करना। वो अगर मिट्टी में मिल जाए तो पौधे को कमजोर करेगा, और शरीर में जाए तो शरीर को। आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पति मुझे इतने समय से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और भला वो मुझे ऐसी दवा क्यों देंगे? बल्कि वो तो चाहते हैं कि हमारा। नहीं साईं, आप उन्हें समझने में भूल कर रहे हैं। मीरा, गर्भ धारण करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि स्त्री को अच्छा आहार मिले, अच्छा पोषण मिले। लेकिन अगर कोई चीज तुम्हें कमजोर बना रही है, पूरा दिन तुम्हारे सिर को भारी रख रही है, तो इसका मतलब है समस्या उस दवा से है जो तुम्हारा इलाज ना करके तुम्हारी पीड़ा और बढ़ा रही है। मुझे ये दवा लेने से अच्छा नहीं लगता है। पहले सर भारी लगता था और अब उल्टी हो जाती है। इसका मतलब दवा असर कर रही है। तुम दवा लेना बंद मत करो। आप पहले ही समझ गए थे, इसलिए आपने अपनी लीला से मुझे वो दवा नहीं खाने दी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इसका जवाब तो तुम्हें सदाशिव ही दे सकता है। लेकिन याद रखना मेरा, कोई भी चीज या इंसान
किसी के लिए अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलता। क्या सुंदर आवाज है घंटी की, और कितनी चमकदार भी है। थोड़ी महंगी है, जल्दबाजी में नासिक से मंगवानी पड़ी। अरे कोई बात नहीं, ये लीजिए। धन्यवाद। कैसी लगी बेटा? बाबा आपने साइकिल क्यों मंगवाई है, लड़के वालों ने मांगी है। नहीं नहीं बेटी, उन्होंने तो एक पत्ता भी नहीं मांगा, ये तो मैंने हमारे लिए ली है। पर बाबा आपको तो चलानी आती नहीं है। कितनी समझदार हो गई है लक्ष्मी, ये सही कह रही है दादा। ये साइकिल लेने की क्या जरूरत थी जबकि चलाने भी नहीं आती है। अब तू भी इसी की तरह बोलने लगा। अरे कुछ तो दुनियादारी का ख्याल रख, अगर लड़के वाले देखेंगे कि घर में साइकिल है तो हमारी ही इज्जत बढ़ेगी। दादा साई कहते हैं इज्जत व्यवहार से बढ़ती है, इन चीजों से नहीं। आप समझे ये कि तू सारी उम्र शिरडी में रहा है, तू नहीं समझेगा कि दुनिया में क्या क्या होता है। इसलिए तू चुप बैठ और मुझे सब करने दे, समझा ना। और तेरा बस चले ना तो तू लड़के वालों को कढ़ी और पूरन पोली में ही निपटा दे। मुकुंद बाबू, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। आज पहली बार है ना, ज्यादा जड़ गई है थोड़ी। कोई नहीं, अब तो रोज चलेंगे भट्टी पे, आदत हो जाएगी संजय भाई। रोज? हाँ, मजा आया कि नहीं आया? मजा तो बहुत आया। हाँ मुकुंद बाबू, बहुत। बस तो चिंता किस बात की, पैसे की कमी तो है नहीं। हाँ मैं तो भूल ही गया था कि अब हम अमीर हो गए। संभाल के, हाँ साई को पता चलेगा ना तो फिर प्रवचन देंगे। संजय, मुकुंद, जब तुम कुछ छुपाते हो तो इसका मतलब है तुम्हें पता है कि वो चीज गलत है, फिर ऐसे काम ही क्यों करना। माफी साई, थोड़ी ज्यादा हो गई। और संजय, मैं तुम्हें यहां प्रवचन देने नहीं, कुछ और देने आया हूं। जो चीज तुम भूल रहे थे, आज तुम्हारे बेटे शिवा का जन्मदिन है। तुम उसके लिए तोहफा लाने कोपर गांव गए तो थे, लेकिन नशे के उत्साह में उसके लिए तोहफा लाना ही भूल गए। शिवा घर पर तुम्हारी राह देख रहा है संजय। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मैं अभी जाके उसे मिलता हूँ। नहीं संजय, आज तुम्हारा खुद पर नियंत्रण नहीं है, आज उसके सामने मत जाना। तुम पर बहुत गर्व महसूस करता है शिवा, तुम्हें इस हालत में देख नहीं पाएगा। Oh,
सबसे बड़ी भूल हो गई है साई। आज के बाद मैं शराब तो गया, नशे की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा साई। जिस चीज को करके मैं अपने बेटे से दूर हो जाऊं, वो नहीं चाहिए साई मुझे, वो नहीं चाहिए। माफ कर दीजिए साई, हमें माफ कर दीजिए साई, हमें माफ कर दीजिए। कब से इंतजार कर रही थी आपका। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। बात ही खुशी की है, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये कैसे हो सकता है? क्यों, आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, यकीन मतलब अचानक से, मतलब देखने से भी नहीं लग रहा है कि तुम पेट से हो। देखकर तो आपको भी नहीं लगता है कि आप वो बहरू पिया है जो पूरी दुनिया के साथ साथ अपनी पत्नी को भी धोखा देते आ रहे हैं। ये तुम क्या, आज तक आप बोलते रहे और मैं सुनती रही, आज आप सुनिए। माँ बनने के लिए जो दवा देते आ रहे थे उससे एक पौधा तक मुरझा गया। आप इस हद तक गिर सकते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। आपने ऐसा क्यों किया, जवाब चाहिए मुझे। मीरा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारी संतान हमारी इस गरीबी में जन्म ले। पहले मैं उसको सारी सुख सुविधाएं देने योग्य हो जाऊं, फिर वो इस दुनिया में आए। अब मैं क्या चाहती थी, वो जरूरी नहीं था। मैं सालों दुखी रही, खुद को कोसती रही, और आप तमाशे देखते रहे। सच कहा था साई ने, इंसान की प्रवृत्ति आसानी से नहीं बदलती, और आप स्वार्थी हैं और हमेशा रहेंगे। आप सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। मीरा, मुझसे प्यार करने का दिखावा करते रहे आप। जो अपने होने वाले बच्चे को मार सकता है वो एक दिन मुझे भी मार। मीरा, मुंह बंद रखो अपना। हाथ उठाने से कुछ नहीं होगा, जो विश्वास था वो पहले ही टूट चुका है। पर जिस रिश्ते में विश्वास ना हो उसका कोई वजूद नहीं होता। आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म हमेशा के लिए। मुझे यही रहना पड़ेगा कि मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है, और मैं आपसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी।